eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Adarsh. और बहुत दिन के बाद आज मैं फिर से एक ब्लॉग बना रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर, और थोड़ा प्लान है कि हम लोग जाएंगे और हम लोग जाएंगे एब्सोल्यूट बारबेक्यू जो है, तो एब्सोल्यूट बारबेक्यू जाएंगे बुफे खाने के लिए। तो भुवनेश्वर से मेरा भाई आ रहे हैं और एक मेरा एक दोस्त आ रहा है, तो वही अभी साथ में जाने का प्लान है। तो अभी मैं ढेंकानाल से निकल रहा हूँ भुवनेश्वर की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं रोड। तो चलिए गाइस, हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो गाइज, अभी हम आके पहुंच गए हैं अभी इधर इन्फो सिटी में। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरिया देखिए। और अभी हम जाएंगे एब्सोल्यूट बारबेक्यू, जो कि ये है। और रोड किस साइड है वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो ओ वाला साइड है, ओ उधर रोड है। तो अभी मेरा भाई उधर वेट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग उधर चलते हैं। अशोक, पिक योर कमेंट। आइटम का नाम क्या है? चरेस्को पाइनएप्पल। अच्छा, एबीएस सिग्नेचर डिशेस है। ओके, इसी के लिए आते हैं, इसलिए पहले आके यही डिमांड किया। वो जो जैसे सॉल्ट में टाइप का तलना है, इसमें सिनेमा कोई जानी है। वाह, ये पाइनएप्पल है तो फेक सॉल्ट पे ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा। साल पे, साल पे। अब लो अदर साल पे। कोई नहीं। ए आपको लगी हो चीज़ लूडो देखो बाकी। सब ऑसम। तो भाई, अभी हम लोग अंदर आकर बैठ कर दबा के खा रहे हैं। खाना बहुत ही बढ़िया है। और अभी मैंने जो आपको दिखाया वो था हमारा पाइनएप्पल का डिश, जो कि यहाँ का स्पेशल है और बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। और उसके साथ ये बारबेक्यू में इधर है हम लोग का प्रॉन चिकन फिश। ये कोई चिकन कीमा वाला, सॉरी मटन कीमा वाला बर्गर है, सीख कबाब है, ये क्रिस्पी कॉर्न है। और उसके साथ हम लोग को कॉम्प्लीमेंटरी ये लाइम जूस दिए हैं। लाइम सोडा ना, खाना लाइम जूस, मसाला सोडा। तो चलिए, पहले मैं बारबेक्यू ख़त्म कर लेता हूँ, फिर बाकी आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये जगह और हम लोग का डेजर्ट में क्या क्या है और मेन कोर्स में क्या क्या है। तो पहले हम खाने में फोकस करते हैं। हाँ, तो ये है हमारा टेक टू ऑफ फेक सॉल्ट पे। रेडी, 1 2 ज़्यादा हुआ है ये, हंसो लॉल कर रही है। बारबेक्यू वाला खाना ख़त्म हो गया, अभी हम स्टार्टर वाला खाना ख़त्म हो गया, अभी मेन कोर्स है। और मेन कोर्स के बाद हम लोग डेजर्ट भी खाएंगे, तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है हमारा मेन कोर्स और डेजर्ट में। और लाइव काउंटर भी है इधर, तो चलिए मैं आपको सब दिखाता हूँ। और ये इधर का रेस्टोरेंट कैसा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। आइसक्रीम में देखा यार, आगे बढ़े आइसक्रीम में स्टार्ट कर यार। ये सब कौन है? चिकन विकन एमू क्वेल, ये देखो
एमोक्वेल टॉप बनी रैपिड बनी। अच्छा ये रैपिड का है, ये शार्क है और चीड़ा का देखा हो। पहले अभी हम लोग आइसक्रीम के साइड चलते हैं और ये देखिए इधर डेजर्ट का है, बहुत सारा खाना है। मेन कोर्स सेक्शन, मेन कोर्स में ये है हमारा चिकन मटन है, चिकन मटन है, ये एग करी, फिश और एग है, फिश और एग, और ये है बिरयानी, बिरयानी कैसा हैवी है जो। ये देखो सब मेन कोर्स लेने में लगे हैं। तो ये हमारा लाइक आइसक्रीम काउंटर है और ये लोग इधर मिक्स करके देंगे आपको। थैंक यू। ये देखिए हमारा आइसक्रीम आगे एक स्पून ले लेते हैं, अब इसको लेके चलते हैं। हुआ था हमारा फीडबैक, कौन है लाइट को इंसिडेंट लाजा मैंने मानी तो मोमो डिलीवर कर लाजा लगे। तो अभी हम लोग का खाना खत्म हो गया। अच्छा किसी रिव्यू को फाइनल रिव्यू कौन कौन सब कैन लगे, कौटा भल कौटा खराब थी। आई थिंक स्टार्टर्स रियली गुड, स्टार्टर्स का बहुत बढ़िया था, 500 आइसक्रीम तो बढ़िया लगे। तो मेन कोर्स टिके डिसअपॉइंटमेंट है मत स्पेशली फिश मटन में, बट सर आम गोटे स्प्लेट संगे तुरंत फीडबैक हिसाब से गोटे भल से ड्राए कर मटन जा। एक चीज़ बोलना चाहूँ क्योंकि इधर का फीडबैक इमीडिएटली वो लोग एक्शन लेते हैं, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता या फिर कुछ ख़राब लगता है तो वो लोग उसके लिए मतलब उसके बदले में कुछ और स्पेसिफिकली कोई अच्छा वाला डिश बना के वो लोग इमीडिएट ला के देते हैं इधर। तो हम लोगों का केस में वही हुआ, मटन में कुछ ख़राब था जो कि मेन कोर्स में था हमारा, वो ख़राब लगा तो उसके बाद वो लोग कोई दूसरा आइटम बना के दिए। बाकी ओवरऑली स्टार्टर्स इंक्लूडिंग पापड़ी चाट पानीपुरी एंड व्हाट एल्स स्पेशली डिजर्ट वाज गुड, जलेबी वाज क्रिस्पी एंड योर आइसक्रीम मिक्स वाज गुड। अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यू है और ये एरिया पूरा ऐसा है। ये आपको मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था, रात को आया था और तो ये रात को पूरा लाइटनिंग होता है इधर और ये फाउंटेन भी चलता है इधर। तो चले गए, यही था हमारा एब्सोल्यूट बारबेक्यू का ब्लॉग। तो आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, चलिए गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग।